क्या यार समर, लो भाई साहब, वाह नुकसान हो गया, इन स्क्रू की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भाई साहब आज मौसम बेमान है, काफी दिनों बाद गाइस यहाँ पर बारिश हुई है, बल्कि छोटी छोटी बूंदे पड़ी, इतनी तेज बारिश थमी नहीं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा पानी नहीं भरा है। भाई मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो भाई दिन रात गाने ही बजाते रहते हैं, जैसे कुछ पड़ोसी हैं जो गाने ही चलाते रहते हैं। यार कितना चलाओगे भाई, हेडफोन लगा लो, खूब सुनो, फोन निकाल लो, कान फाड़ लो, लेकिन एक सेकंड कान फाड़ लो कही मैंने, तो भाई क्या कर सकते हैं, हम सीधे अपने टोए पे चलते हैं। मौसम गाइस बहुत बढ़िया हो गया है, तो भाई काफी मजा भी आ रहा है, तो थोड़ी सी गाइस ये की ठंड तो नहीं हुई लेकिन हाँ थोड़ी सी राहत मिल गई। तो भाई ये रही मशीन भाई साहब, इस मशीन की कोई भी इज्जत नहीं है। भाई इज्जत क्यों नहीं है, इज्जत गाइस इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हम बैटरी वाली यूज करते हैं, ध्यान से रखते हैं। तो यार काफी बार मैंने सोचा था कि भाई मैं इसे ठीक करूं, लेकिन भाई इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है गाइस। मेरा आज पक्का इरादा था कि भाई साहब मैं बाहर आज शूट करूं, क्योंकि गाइस आज मौसम काफी अच्छा है, लेकिन भाई साहब बाहर बज रहे हैं गाने, ठीक है, क्योंकि गाइस गाने चलाने बहुत जरूरी है, वरना भाई सांसें रुक जाएंगी, अटक जाएंगी, और इतने पैसे नहीं है कि हम हेडफोन ला सके। हाँ हम बड़े बड़े स्पीकर बड़े बड़े कॉलम ला सकते हैं, लेकिन भाई हेडफोन नहीं ला सकते 100 रुपए। खैर जो बात है, हाँ मैं चाहूंगा ये पड़ोसी मेरी वीडियो देखे। तो जो बात है भाई, खैर जोक से पार्ट, भैया ये रही गाइस, आपको याद होगा मैंने एक लेथ मशीन बनाई थी, हो सकता है गाइस मैं इसका फोटो लगा दूंगा। तो भाई ये मैंने लेथ मशीन बनाई थी गाइस इस ड्रिल मशीन से, और भाई यकीन मानिए ये मैं कम से कम 10-12 साल पहले लेकर, बल्कि मैंने लेकर आया था, पापा लेकर आए थे मेरे। तो ये गाइस मेड इन चाइना है, आपको लग भी रहा होगा देखने से, लेकिन भाई साहब ये आज भी बिल्कुल परफेक्ट एंड वर्किंग कंडीशन में है। पहले गाइस मैं आपको चला गया था, वाह चलो पहले बात कर लेते हैं, वाह दास क्या धन है, वाह पहले गाइस मैं डांस कर लेता हूँ, ओहो मजा आ गया। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वक्त खराब किया, हम भी आपका वक्त खराब कर रहे थे। हाँ तो गाइस फोन था और कह रहे थे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, आपने हमारा वक्त खराब किया, हम भी आपका वक्त खराब करेंगे, तो जैसे कुछ ऐसा वैसे गाइस नुकसान थी मेरे हुआ, क्योंकि वो तो बैटरी से मारे हैं। तो भाई ये रही ड्रिल मशीन, अब इसका गाइस क्या प्रॉब्लम है जो भाई मैं इसका यूज नहीं कर पाता। वैसे गाइस नंगे पैर बात, ये क्या है पैर देख रहे गाइस, कहते भूत जैसे, देखिए चप्पल पहनते है ना, देखिए ये साफ बाकी काला, मैन इन ब्लैक। तो गाइस पहले मैं चप्पल पहन लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो है ना साफ सफाई थोड़ी, तो सब ना ओ छप गया, अभी झाड़ू लगा यार सब छप गया, खैर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई हाँ क्या दिक्कत है, हाँ दिक्कत भाई है कि पहले आपको इसको चला के दिखा दो, भाई इसकी लीड है ना बहुत धांसू और लंबी लगा रखी, देख रहे हो एकदम से धुन निकली भाई साहब। आपने गाइस क्या चीज महसूस करी, नहीं पता लगी, शायद आपको पता लग गई होगी जिस भाई ने इसे ध्यान से देखी है, जिस भाई को पता है। पहले मैं इसे लगा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, आप देखना हाँ रुकेगी, हाँ गाइस इसकी आप डायरेक्शन देखिए, ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है भाई साहब, ये आपकी क्लॉक वाइज घूमनी चाहिए, जो बर्मी की डायरेक्शन होती है ना, जो ड्रिल मशीन की डायरेक्शन होती है वो क्लॉक वाइज से काटती है, ठीक है, या होल करती है। भाई इसे मैंने उस मशीन के हिसाब से भाई साहब इसे उल्टी कर दिया था, मतलब गाइस इसके जो रोटेशन है वो उल्टे कर देती है एंटी क्लॉक वाइज। तो भाई साहब एक भैया ले गए और उन भैया का नाम है मोंटी, तो भैया बोले जा रहे थे हमारी बैटरी वाली मशीन, मैंने कह दिया कि मोंटी भाई अभी हम काम कर रहे हैं, एक काम करो तुम इसे ले जाओ। तो भाई साहब इसे निकाले के ले गए, उसके बाद वापस लाए शाम को, समर भाई तो करी उल्टा काम करता है अभी फिलहाल, हाँ ये तो सही काम करेगा, जैसे ये काम कर रहा ना इसका चक है ना, ये तो ठीक काम करेगा, देखिए ठीक है ये तो ठीक ऐसा काम करेगा, लेकिन भाई इसका चक्कर है ना ये उल्टे काम करेंगे, सारे काम हमारे उल्टे ही हैं। तो भैया अब इसके चक्कर जो ना आरपीएम सीधे करते हैं, है ना। तो गाइस काफी टाइम हो गया, लगभग ईडी को ना 1.5-2 साल होगी, फिर भी गाइस मैं आपको शायद दिखा दूं तो आपको बिल्कुल लाइव पता लग जाएगी कि यार कब से पड़े हो भाई, आज तक मैंने इसका भाई साहब यूज नहीं किया ना, ये नहीं जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाइस आप जानते हो दो मेरे पास मशीन ऑलरेडी है, तो लेथ मशीन समर एक्सपेरिमेंट। देखिए भाई साहब 1 साल इसे हो गई है, वैसे थोड़ी मैं आवाज कम कर लेता हूँ पहले ना, चला के देखते हैं इसकी डेट वेट, क्योंकि ये 2 साल से पहले 1 साल ही दिखाता है, डेट लिखिए 26 जून, हाँ यार 1 साल ही हुई है अभी, लगभग 26 जून है 2021, अरे नहीं गाइस 2 साल होने वाली है बॉस, देखो ये 2021 है जून, और भाई साहब यहाँ भी जून ही चल रहा है, मतलब आज भी जून चल रहा है, और गाइस आज डेट है भाई साहब मैं आपको दिखाऊं, देखिए 21 जून है आज, ठीक है, और ये दोस्त बैठा हमारा, मेरे सारे दोस्त ऐसे वीडियो देखते होंगे बुरा बन जाएंगे, अरे मान ले तो क्या करेंगे, क्या खाल लगे वैसे भी। तो भैया फटाफट से खोल के देखते हैं, और ये फौजी भाई हमेशा की तरह लेटे हैं सामने, नीले रंग की बॉडी है, फौजी भाई भी नीले रंग के बैठे हैं। ओके खुल जाए इसको ड्राइवर से, तो 5 रुपए का नाम, लेकिन किसको, अरे मुझको, और आप सबको नहीं मिलेगी 5 रुपए किसी को भी, ये नहीं खुल रहा, इसको ड्राइवर गलत ले लिया, अबे ऐसा तरह यार बड़ी दिक्कत हो गया भाई, जब टूल काम नहीं करते ना तो दर्द होता है यार अंदर से आवाज आती है, अबे यार
नहीं खुल रही, लगता है इसके पापा हमें लाने पड़ेंगे। तो इनके पापा हैं हमारे पास, हमारे पास है ये ड्रिल मशीन। और भैया ये रे वो ड्रिल मशीन गाइस, अब ये मत खुल जियो सुतरे ना, अब मत खुल जियो कसम है तुझे, तो कैसे खुल गया। हेलो भाई साहब ना, जरूरत थी ना आज खुलने की, सर में दर्द कर रखा है उन्होंने मेरे। ये टेढ़ा हो गया, ये बड़ा था गुरु, ये भी नहीं खुलेगा क्या यार समर। लो भाई साहब, वाह नुकसान हो गया, इन स्क्रू की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये अभी भी नहीं खुल रहे। मतलब अब भाई क्या करूँ इसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हथौड़े तो नहीं बजा सकता इसमें। मतलब भाई ये देखो भाई, इतनी बड़ी दिक्कत हुई है बॉस, देखो मोटर के अंदर से तार टूट गई। तो भाई साहब ये जब तक पड़ी थी जब तक कम से कम ठीक तो थी, और ये हैंडल सुतरा अभी भी नहीं खुला है। हो गया भाई साहब लॉस 900 रुपए का, बात गाइस पैसे की नहीं है, बात ये बहुत पुरानी मशीन है, हाँ ठीक तो हो जाएगी कैसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये गाइस चाइना का माल है, कोई मिस्त्री से आराम से पकड़ता ही नहीं है। तो गाइस मैं पहले से खोलने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बिल्कुल एक्चुअल दिखाता हूँ कि दिक्कत हुई क्या है, इसका तो बाप भी खुलेगा। तो भाई साहब यकीन मानिए मैंने पूरी कोशिश कर ली, ये खुला है नहीं, ऐसा लगता है इसके अंदर हमने एल्फी या शक्लू डाल दियो। भाई मैंने इसे हीट भी किया, देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से गाइस हीट भी किया इस स्क्रू को, तब भी गाइस ये ड्रिल मशीन से नहीं निकला। मतलब भाई कसम खा के बैठा कि हम नहीं निकलेगा। अब आते हैं गाइस इस पर, तो अगर गाइस देखा जाए तो इसे कहते हैं लेने के देने पड़ गए। देखिए यहाँ पे तार था ऐसा लगा हुआ, अब देखिए ये हट जाएगा पूरा यहाँ से, भाई साहब यहाँ से देखिए निकला नहीं है, ये हीट होगा तोड़ना पड़ा है, इसे अच्छे से हीट किया था हमने, इस स्क्रू के हीट होकर निकल जाएगा, तब भी नहीं निकला भाई साहब, ये अब निकला भाई निकल जाए हराम खोर। देखो भाई गाइस इसका जो ना टूट गया जिसके अंदर स्क्रू लग रहा था, लेकिन भाई से स्क्रू नहीं निकला, तार तो इसके अंदर है लेकिन जो कार्बन वाले है ना, आई थिंक कार्बन के तार टूटे हैं। देखो भाई ये कार्बन के तार टूटे हैं, ये भाई कार्बन घिसे पड़े हैं इसके अंदर, जो बात है ये रे भाई प्रॉब्लम ये हुई है कि जो वायर है ये इस रोटर के अंदर लग रहे थे, यानी कि इस मोटर के अंदर थे, एक तो ये निकला यहाँ से और गाइस एक ये रहा, दिख रहा आपको, देखिए ये जो फाइबर स्लिप दिख रही है ये वाली जो आप देख रहे हो, ठीक है भाई इसके अंदर से वायर निकले हैं और गाइस ये लगते हैं कार्बन में। और भाई इन वायर को चेंज करके ही, जैसे ऐसे लग रहे थे, इस वायर को चेंज करने के बाद गाइस इस ड्रिल मशीन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो कि भाई साहब अब रहा नहीं है। अब भाई हम इसे पावर कैसे देंगे, ये जो पूरा का पूरा आर्मेचर है ये तो ठीक है, आर्मेचर की कोई गलती नहीं है, ठीक है ये इसकी वाइंडिंग है ना इसमें प्रॉब्लम हुई है, इसको मोटर पर गाइस इस तरीके से लग जाते हैं, ये देख रहो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देगा, ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाते हैं ऐसे, इसकी डायरेक्शन ठीक रहती है, ये मार्केट से आता है, लेकिन भाई हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो भाई इस वाले को इधर कर दो और इस वाले को इधर कर दो, डायरेक्शन चेंज, इसकी रोटेशन चेंज हो जाती है। तो भाई साहब आपने देखा किस तरीके से हमने अपना नुकसान किया, ये दोनों वायर के अंदर लगते और काब लगता कम्यूटेटर पर, और भाई साहब इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते जैसी थी, लेकिन भाई साहब हम अपना नुकसान कर बैठे, इतना टाइम है कि भाई खोले पूरे को, इसे पूरे खोल के निकाले, इसकी वाइंडिंग निकाले, इसके अंदर ये फंसी पड़ी है पूरी वाइंडिंग। चलो फिर भी एक बार कोशिश करते हैं गाइस इसका गियर बॉक्स निकाल कर क्या होता है। तो लीजिए भाई लोगो ये रस्का कम्यूटेटर, और ये बिल्कुल ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी पिन होती है, वो पिन लग रही है कि हाँ पिन लग रही है, इसे तो ऐसे बंद कर देते, मैंने कहा तो पिन निकल जाएगी और इसका घूमना फिरना बंद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, अभी देखिए चल रहा है ना। हाँ तो भाई इसे भी निकाल लेते हैं, इस गियर बॉक्स को हम ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, ऐसे रहने देंगे, और ये भी बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम जो है भाई प्रॉब्लम इसमें है, और इसके अंदर अगर तार में वो मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए शायद हमारी, और सारी की सारी मैंने ऐसी की तैसी जो करी है आज, उसमें बहुत मजा आ रहा होगा इस आपको, क्योंकि नुकसान हो गया भाई का। लो भाई साहब ये वायर जा रहे हैं इधर से, ओ भाई साहब एक वायर तो मेरे को मिल गया शायद, एक तो भाई साहब ये रहा, यस 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 मजा आ गया, दिखा है नहीं भाई ये नहीं है, मार डाला, ये भाई ये वाला है, इसका जो टूटा था इसमें टूटा था, तो भाई इसकी वाइंडिंग हमें खोलनी पड़ी, और मैं इसकी वाइंडिंग खोलूं क्या करूं बताओ। खैर गाइस खराब तो भाई हो चुका है, तो अभी इसे अच्छे से खराब करना बनता है, या तो गया या आया। मैंने गाइस फर्स्ट टाइम यकीन मानिए कोई ड्रिल मशीन ऐसे खोली है, ठीक है, और गाइस मैं फर्स्ट टाइम उसे, वैसे गाइस खोलनी ठीक नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अकड़ जाती है ना कोई, और भाई कोई भी तार अगर टूटा तो इमली पर टूटा बगल में जूता, ओ पापा मारेंगे मेरे को, बिल्कुल चुप। चलो भाई शॉर्टकट लेते हैं और भाई इसे जो ना अंदर से काटते हैं, जैसे भाई सपोज करो ये वाला जो पाइप है, हाँ अरे हैगा वायर हैगा भाई हैगा, वो इसके अंदर है, ये भी निकल गया, ओ भाई साहब इसके अंदर वायर नहीं दिख रहा, लेकिन शायद हो सके इधर से दिख जाए, ऐसे तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा, तो भाई मैं देखता हूँ कि इसमें से फटाफट वायर ही निकल जाए, फिर मैं दोनों वायर को बाहर निकाल लेता हूँ कैसे जुगाड़ करके, और भाई दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं, दवा है मेरे पास, दुआ नहीं है।
तो गाइस फाइनली हेटर के सपोर्टर्स है, हमने गाइस ये दोनों वायर निकाल लिए, देख एक एरा और भाई एक एरा, और भाई ये दोनों जिंदा है, देखो ये दोनों जो वायर है ये इस तरीके से है, तो ये भाई आई थिंक कॉपर है, पता कैसे लगेगा, ये वायर है और कॉपर लग रहेगा इसको, किस पर सोल्डिंग हुई है। वैसे ऐसी बात नहीं कि भाई हाँ एल्बम पर सोल्डिंग नहीं कर सकते, मेरे पास है पेस्ट जो आई थिंक लिक्विड पेस्ट था वो, जो गाइस मैंने मंगाया था ऑनलाइन एक बार, उससे गाइस एल्युमिनियम पे भी सोल्डिंग हो जाती है। वैसे अगर बिना उसके हो जाए तो ठीक, वरना गाइस यहाँ पर फटाफट हम इसे घिसके दो बार बाहर निकाल लेंगे। बट भाई साहब अभी एक प्रॉब्लम और है, देखिए जो कार्बन है ये कार्बन घिसे पड़े, लेकिन खैर ये तो बात की बात है ना, फिलहाल ये तो बात की बात है, एक ज्यादा घिसा है कम घिसा हुआ, ये तो हम बाद में चेंज कर देंगे, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो बाद में खैर आ जाएंगे, है ना। तो पहले गाइस इसके फटाफट बाहर निकालते हैं और भाई इन्हें फिक्स करते अच्छे तरीके से, है ना। तो भाई ये जो कंडीशन मेरे साथ हुई है, मुझे भाई कहावत याद आ रही है कि खाए पिए कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 रुपए का, कहोगे समझ यार ये 12 आने होते हैं भाई, उस टाइम 12 आने चलते थे अब नहीं चलते, तो भाई इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया है, तो गाइस वो 12 आने अब मुझे नहीं पता भाई 12 आने में कितने रुपए होते हैं, हाँ भाई किसी को पता है, अरे है तो बताओ यार, जस्ट चिल। वैसे भाई साहब ये एक खुशी की बात है कि ये कॉपर के हैं, जो गाइस तार को पकड़ के पता लग जाती है उसकी हार्डनेस को देख के यहाँ भी, क्योंकि एल्युमिनियम का होता है वो तो बहुत सॉफ्ट होता है वायर, ये थोड़े हार्ड वायर है, और वैसे इनकी चमक बता रही है, इनके चेहरे पर चमक आ रही है कि हाँ भी हम आपको मिल गया, आपने पकड़ लिया धन्यवाद, वरना हम तो जाते बेकार। अभी भाई साहब ये रिस्क में ही है ये मामला जो है, जब तक पूरी तरह से ना चले ना जब तक, और वायर गाइस हम ये लगाएंगे, लेकिन भाई साहब अब थोड़ी में लंबी लगानी पड़ेंगी ये, और भाई मेरे पास ऑलरेडी है पूरा का पूरा बॉक्स, फौजी भाई ऊपर रखेंगे और नई वाली देखो ऊपर रखी, बिल्कुल नई ऊपर वाली यार, ये सारी की सारी जो डिफरेंट डिफरेंट साइज में, चढ़ जाओ ऊपर, मैंने काफी सारी लाकर रखी थी पहले है, ऐसे धदर माल छुपा रखा के बाद सीबीआई को भी नहीं मिलेगा ना, काय को दे 2 रुपए की है क्या पता, तो इसमें भाई कौन सी लगने वाली है, ये परफेक्ट आ रही है, जितनी हो सके ना उतनी बाहर निकाल लो, क्योंकि भाई अब तो हमने काट डाला है, तो बिल्कुल यार बस टूट नहीं है भाई, देखो टूट नहीं चाहिए वो जी भाई, और बहुत ही क्रिटिकल मामला होते हुए, हाँ होल्डिंग होगी बॉस मस्त, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी जो ना ये भी आएगा इसमें, ये जो है ना निकाल ले जैसा था भाई साहब, बहुत ही शांति से, और यार अभी भी टूटने के चांस काफी है, और भाई साहब इसे ऐसे अंदर कर दे, और भाई साहब यहाँ तक तो होगा काम, अब यहाँ पे जो ना एमसील लगानी पड़ेगी, एमसील खोल लो जाओ थोड़ी सी, तो फौजी भाई को देंगे एमसील काम, क्योंकि यहाँ पर एमसील ही काम करेगी, वैसे इतने हम चलाते नहीं है इसलिए, फिर भी एक वायर भाई अभी यहाँ से निकलेगा इसके अंदर से, चलो इतने से यहाँ रखते हैं, और इसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हमें, एमसील लानी पड़ेगी, ले आओ दूसरा पड़ाओ, एक काम और करना भाई इधर को, इसके कारण तुम जा रहे हो बाहर, तो फौजी भाई को देते हैं जिम्मेदारी काम, ये मिलेंगे तो मैं दो भाई की दुकान पर, हाँ वही दो भाई की दुकान पर, एक ले चलो एक ले जाओ, कोई बात ना मैं तो दे रहा हूँ जी, जाओ 10-20 रुपए कहेंगे, और जो उधार है ना पिछला वही मत देना, ये पैसे मत देना, फौजी भाई को हमने जिम्मेदार काम पे भेज दिया, काफी बड़ी जिम्मेदारी दी उन्हें हमने, गाइस चल जाए ना आपको सबको लड्डू खिलाऊंगा अभी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कैसे कान खड़े हो गए सबके लड्डू का नाम सुनते ही, अभी खिला रहा हूँ मैं, तो मैं खाता ना हूँ तुम्हें खिला दूंगा, खैर गाइस तुम्हें तो खिलाया दूंगा, ऐसी बात नहीं, अब आए ना लाइन पे, अरे भैया जल गए, अरे हाथ जल गो, और भाई ये लगा भी नहीं है भाई, सही है जो होना है अभी हो जा, बाद में ना हो लगने बाद ससुरे को फिर निकालो इसे फिर लगाओ, हमें भी शर्म आ रही है अब तो, तुझे ना आ रही, लो भाई लग तो गया भाई, अब भाई साहब ये भी भाई निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है अब भाई इन्हें चिपकाते हैं, गाइस खुशी की बात तो भाई साहब ये है कि हमारा लगभग गाइस काम हो गया है, लेकिन भाई चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें इसका अगले में भी याद नहीं है, तो भाई फौजी भाई गए हैं तो कार्बन लेने और भाई एमसी लेने, उसके बाद गाइस इसकी डायरेक्शन या रोटेशन चेंज करते हैं, भाई दिल टूट गया यार, मानिए जब मैं खोल रहा था ना और एकदम से तार टूट गए, अंदर से एकदम टूटने की आवाज आई, शायद गाइस आपको नहीं आई होगी, लेकिन गाइस मुझे आवाज आई बहुत जोर से आई कि भाई नुकसान हो गया, खैर गाइस मुझे नुकसान की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, पैसे की दिक्कत है, क्या बढ़िया था गुरु, जो बात है भाई साहब एक ही बात है, तो लेने गए हैं पहले गाइस देखते हैं वो आ जाएं, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, गाइस मैं चमटिया का आता हूँ, ठीक है बाद में मिलते हैं, पहले फौजी भाई आ जाओ, फौजी भाई तो आए नहीं, मोंटे भाई आ गए, क्या हाल है भाई, बहुत बढ़िया, फौजी भाई तो बाइक से जा रहे हैं, बोले साइकिल से भी यार सुपरमैन बने पड़े ना, वो बाइक चला मैं थोड़ी तोड़ा मैं, हाँ भाई रो के दिखा दे, ऐसे रो मैं थोड़ी, पहले रो के गाड़ी क्या चला बल्ले बल्ले, लेकिन एक सेकंड, अरे तू है कौन, ये हमारा भतीजा है और हम इसके चाचा, और ये मामू है इसके, तेरे कहने से क्या हो गया ससुर, लाइक कर दो, लाइक कर दो गाइस, लाइक कर दो लाइक कर दो, लाइक लाइक कर दो, नो लाइक नो कर देनु, हां ले मेरा कोई तरीका है भीख मांगने का, चलो भाई आई होप लाइक कर दोगा, तो फौज भाई आएंगे उसके बाद मिलते हैं,
हाँ तो फाइनली फौजी भाई आ गए। घर ये लग जाएंगे, ये मोटे पतले फर्क ना करा, चलते चलते मोटे हो गए ये तुम्हारे। अच्छा बताओ। तो गाइस वो भैया बोल रहे हैं, पहले मैं इन्हें खोल के दिखाता हूँ। ये रे भाई साहब, और चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो भैया कह रहे हैं ना कि ये किस, ये चलते चलते मोटे हो गए, ये तो भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ। खैर जो बात है, काम होना चाहिए हमारा। पहले लगाते हैं फटाफट में MCL। नहीं तो बहुत है, इतने तो इनफ है। अमन भाई भी आ रहे हैं आज तो। अरे मैं सारी लगा दूंगा। चलो भाई इसका लोलू सा बना के जो है ना के अंदर चिपकाते। ये भाई निकलेगी नहीं, जो बात है ना लगने के बाद आराम से के निकलेगी ही नहीं। शर्त है कि करंट भी नहीं आना चाहिए। करंट आते ही ना हम रहे ना तुम, वैसे लाइन नहीं मिली। इस मारे हंसना मना है। वो पाजे कभी हंस भी दिया करो। दो भाई मैंने ऐसे लगाया तो भाई तो खींचने से भी नहीं टूटेंगे। वैसे खींचना नहीं है, देख रहा हूँ ये। फौज भाई ये तो हो गया भाई बिल्कुल मस्त, ठीक है। अब ये भाई साहब वायर निकल के भागेंगे नहीं, ये दोनों अलग निकल गए और भाई ये दोनों अलग निकल गए। अब भाई साहब इसके फटाक फिटिंग कर देते हैं। हाँ तो गाइस सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला वायर पहले ऐसे घूम के दल लग रहा था और ये वाला ऐसे घूम के दल लग रहा था। तो गाइस अब जैसे थे ऐसे लगा दिया। मैंने काटे नहीं, क्योंकि मैंने पहले इसमें जॉइंट किया था। यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट कनेक्ट था यहाँ पर है ना, ये जो वायर एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने काटे नहीं जानबूझ के भाई, कोई दिक्कत हो जाएगा भी ताजा में टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे गाइस मैंने थोड़ी थोड़ी ग्लूगन लगा दिया हल्की फुल्की, देखो यहाँ पर है ना, वैसे इतना हीट होता नहीं है। तो भाई अभी से चला के देखते हैं। फौज भाई लगाना जरा तार, तार लग रहे, बच गया। आपकी दुआओं का नतीजा है सब कुछ, हेटर्स की बददुआएं भी काम कर रही है। ले जाओ फौज भाई। चलो भाई फटाफट से चला के देखते हैं। ओ देखो भाई, भाई साहब पैसे बच गए, ठीक है। और कैसे ऐसी बात नहीं, हमने मेहनत करी थी भाई, पैसे बच नहीं थे और भाई इसकी सर्विस भी हो गई है ना। बेहतरीन भाई, देखिए इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो चुकी है। अब काफी खुश हुई इसे गाइस, मैंने पहले लगा दिया था। कनेक्शन तो गाइस बहुत ही इजी है, वायर का निकाल लेते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ग्लूगन लगा देंगे ऐसे, इससे भाई ये वायर निकले ना बाद में। तो गाइस ये फाइनली वैसे ठीक तो हो चुके, लेकिन भाई साहब ये यहाँ से बिल्कुल टूटी पड़ी है। तो भाई इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा गाइस, मैं अभी फिलहाल इसे चिपका नहीं रहा हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ पर जो है ना कोई ऐसे करके, यहाँ मैं कोई पत्ती से यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ, है ना, यहाँ पे मतलब कोई पत्ती लेकर उस पर इसको लगा सकता हूँ। तो गाइस आराम से रुक जाएगा फिलहाल भाई, अभी तरह से कुछ दिन चला के देखते हैं। तो इसमें गाइस मैं अभी इस पे कोई भी परमानेंट जुगाड़ नहीं करना चाह रहा, तो भाई मैं अभी फिलहाल इस पे ये वाली टेप लगाता हूँ। ये काम करेगी, ये भी कुछ दिन रोक लेगी और अच्छे से लगाऊंगा, अच्छी क्वांटिटी में, ऐसी बात नहीं हल्के फुल्के में ना ही। ये बेबी करो, वैसे निकलेगी नहीं, और जगह से सब जगह इसके लग गए, स्क्रू बस ऊपर से रह रहे हैं और भाई ऊपर से थोड़ी सी वीक है ये। तो भाई साहब ये होता है मेड इन चाइना का माल, ठीक है, जुगाड़ कर करके गाइस चलाना पड़ रहा है। भाई चला के देखते हैं। बेहतरीन आवाज, बढ़िया। हाँ तो गाइस बिल्कुल मस्त और ठीक हो चुकी है। हमारे भाई साहब पैसे बच गए भाई, इज्जत बच गई हमारी। मैंने कहते सवार रहो यार, ठीक नहीं थे तो भाई तुम्हें खराब करने जानते। वैसे हकीकत में यही बात है कि भाई मैं खराब करने जानता हूँ, ठीक है, इसमें बहुत कम करता हूँ। लेकिन भाई सोचे कि चले आए काम की चीजें ठीक कर लेते हैं, सूरज देवता भी बाहर आ गए, ठीक है। तो गाइस अब हम जाते हैं क्योंकि ये बाहर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। वैसे गाइस मैंने बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे भाई ऐसा हो जाएगा, लेकिन गाइस हमें पता नहीं होती कि नेक्स्ट यानी कि अगले पल में क्या होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों फिर भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।